हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी के करनाल सेक्टर 13 आवास पर उनकी धर्मपत्नी पद्मा स्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी परिजनों को सांत्वना दी। पद्मा स्वामी का सोमवार दोपहर लगभग 2:30 बजे लंबी बीमारी के उपरांत निधन हो गया था और वह 82 वर्ष की थी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पद्मा स्वामी के पति एवं पूर्व केंद्रीय राज्य गृह मंत्री आईडी स्वामी को सांत्वना देते हुए कहा कि जन्म और मृत्यु पर केवल ईश्वर का नियंत्रण है और प्रत्येक प्राणी को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप यह संसार छोड़ना पड़ता है। आज प्रातः 11 बजे पद्मा स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार में विधायक हरविंदर कल्याण, महिपाल ढांडा सहित विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। परिजनों ने बताया कि सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने भी पद्मा स्वामी के निधन पर पूर्व गृह राज्य मंत्री के निवास पर पहुंचकर सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सांत्वना देने वालों में मेयर रेणुबाला गुप्ता, डीसी विनय प्रताप सिंह, एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया, भाजपा के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता सहित अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सर थोड़ा साइड में, हाँ कोई बात नहीं, सीधा 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 ले जाइए, सीधा JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।